नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज कई दिनों में बारिश बंद हुई है, तो आपको छोटा सा मैं ओवरव्यू दिखा रही हूँ और छोटे छोटे से कुछ टिप्स आपको दूंगी, जिससे प्लांट्स पर बहुत अच्छे से ग्रोथ होगी, अच्छे फूल आएंगे। देखिए, गुड़हल का पौधा है लाल वाला, इस पर इतनी सारी कलियाँ आ रही हैं, जितनी भी इस पर ब्रांच हैं उन सभी पर ढेरों कलियाँ हैं। तो इसमें आप हर 15 दिन में थोड़ी सी चाय की पत्ती डालते रहिए, बीच बीच में अगर धूप निकले तो थोड़े से केले के छिलके आप डाल सकते हैं, अगर धूप निकले तो। बारिश अगर होती है तो सबसे बढ़िया है चाय की पत्ती, 1 से 2 चम्मच चाय की पत्ती अगर आप गुड़हल के पौधे में डालते रहेंगे तो बहुत ही बढ़िया आपको फूल मिलेंगे और कलियाँ हर ब्रांच पर मिलेंगी। अगर नहीं आ रही हैं कलियाँ तो थोड़ा थोड़ा सा कट कर दीजिए ऊपर से, और हल्का सा उसमें लगभग 1 मुट्ठी करीब वर्मी कंपोस्ट डालिए, उसके बाद थोड़ी सी चाय की पत्ती। आप देखिए कि 15-20 दिन में पूरा फूलों से भर जाएगा। और ये है हमारा, देखिए, चंपा का पौधा। अभी भी इस पर फूल खिले हुए हैं क्योंकि इस पर फूलों का गुच्छा पूरा खिलता है, धीरे धीरे इसके फूल खिलते हैं तो काफ़ी दिनों तक रहते हैं। इसका वीडियो मैंने अभी चैनल पर डाला था, बहुत ही आसानी से इस पर अच्छे फूल हम पा सकते हैं। इस टाइम पर बहुत अच्छी खुशबू पूरे गार्डन में हो रही है इसकी वजह से, और बहुत तेज़ आज हवा भी चल रही है। हरे भरे पौधों के बीच देखिए ये पोर्चुलका पर्सलेन आज कितने अच्छे से खिली हुई हैं। बारिश की वजह से कई दिन से तो ये फूल खिल ही नहीं पा रहे थे, जैसे ही खिलते थे बारिश की वजह से ख़राब हो जाते थे, आज पूरे अच्छे से खिले हुए हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और मैंने इनके ढेर सारे प्लांट बना रखे हैं, कहीं भी लगाओ कटिंग से फटाफट से प्लांट चल जाता है। और आपको दिखाती हूँ, देखिए ये इतना छोटा सा प्लांटर है और इसमें देखिए ग्रोथ देखिए इसकी कितनी हो रही है, और फूल भी खिले हुए हैं, 3-4 फूल भी खिल रहे हैं। इस छोटे से प्लांटर में कुछ भी नहीं चला था अभी तक, सिर्फ ये पर्सलेन ही चली है, और कितनी अच्छी ग्रोथ कर रही है, फूल भी दे रही है, कितना सुंदर लग रहा है। तो इसको छोटे से छोटे किसी भी कंटेनर में हम लगा सकते हैं, कटिंग से चल जाता है, बहुत ही सुंदर ये प्लांट है। तो देखिए अभी सुबह का टाइम है ना, सुबह सुबह 9 बजे ये फूल खिल जाते हैं। यहाँ पर देखिए हल्दी और ये अरवी लगी हुई है, बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रही है बारिश के बाद, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हेल्दी लग रही है एकदम। और आपको मैं अपना कड़ी पत्ता का प्लांट दिखाती हूँ, ये बिल्कुल छोटा सा एक ब्रांच प्लांट था जिसकी मैंने 2 बार प्रूनिंग कर दी है। जब मैंने इसकी पहली बार प्रूनिंग की थी तो इसमें एक ही ब्रांच आई थी, 2 ब्रांच इसमें नहीं आई। अभी आप इसकी पत्तियों का साइज़ देखिए, पहले इसकी पत्तियाँ बहुत ही छोटी छोटी सी थी और अभी इसकी पत्तियों का साइज़ भी कितना ज़्यादा बड़ा हो गया है। फिर उसके बाद मैंने दोबारा से प्रूनिंग करी और तो फिर इसमें 2 ब्रांच निकली हैं, देखिए अब ये डबल हो गया है और घना भी दिख रहा है, कितनी अच्छे से दोनों ब्रांचेस चल रही हैं। अब जैसे ये ब्रांच बड़ी होंगी फिर से मैं इनको कट करूंगी ताकि इसमें और 4 ब्रांच निकलें। तो ऐसे हमारा जो कड़ी पत्ता का पौधा है वो बहुत घना हो जाएगा और पत्तियां भी इसकी बड़ी होगी। पत्तियां बड़ी होने के लिए आप कर सकते हैं इसमें स्प्रे करिए बटर मिल्क से, जो छाछ होती है उससे आप स्प्रे करिए। पहले देखिए ऐसी पत्तियाँ थी इसकी छोटी छोटी सी, और जब हम छाछ से स्प्रे करते हैं तो बहुत ही अच्छे से इसकी जो पत्तियों का साइज़ है वो भी बड़ा होता है और इसकी जो खुशबू है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो बटर मिल्क इसके लिए बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र भी है, और आप स्प्रे भी इस पर करिए, बहुत बढ़िया आप इससे इसकी ग्रोथ पाएंगे। और इसकी प्रूनिंग करते रहिए, प्रूनिंग करने से ये घना होगा, आप देखिए कितना सुंदर हो गया है। यहाँ पर सारे देखिए मेरे कुछ कटिंग्स के प्लांट्स हैं, और ये जेड प्लांट यहाँ पर रखे हुए हैं जिनकी मैं टोपियारी बना रही हूँ, और ये बोगनविला जिस पर अभी सफ़ेद फूल आने लगे हैं, काफ़ी दिन बाद इस पर फूल आ रहे हैं, इनकी भी प्रूनिंग मैं करती रहती हूँ। और देखिए ये है अंजीर का पौधा, इसकी ग्रोथ इतनी अच्छी हुई है बारिश होने के बाद, आप पत्तियाँ देखिए इसकी कितनी बड़ी बड़ी पत्तियाँ हैं और रोज़ इसमें नई पत्ती निकलती है, तो अच्छी ग्रोथ कर रहा है। तो अंजीर का पौधा देखते हैं कितने दिन में इस पर अंजीर लगेगी। और ये है शरीफा का प्लांट, कस्टर्ड एप्पल, ये भी बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है, इसमें भी कई ब्रांचेस निकल आई हैं। बारिश के मौसम में बटरफ्लाई प्लांट भी बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है, जैसे ही बारिश ज़्यादा होती है तो इसमें ढेरों पत्तियाँ निकलती हैं, तो इसको बारिश बहुत ज़्यादा पसंद है और फूल भी इस पर बहुत अच्छे आ रहे हैं।
ये देखिए दूसरा गुड़हल का प्लांट है मेरा पिंक वाला, इस पर इतनी कलियाँ आ रही हैं देखिए, सिर्फ वो ही चाय की पत्ती मैंने इनमें यूज़ करी है। और ये देखिए मोगरा का, मोगरा के प्लांट पर भी अभी फिर से फ्लावरिंग स्टार्ट होने वाली है, फिर से कलियाँ आ गई हैं। तो जैसे ही फूल ख़त्म हो प्रूनिंग कर दो और इसमें एक बार फर्टिलाइज़र अच्छे से दो, हर 15 दिन में इसमें केले के छिलके या फिर आप चाय की पत्ती डालते रहिए। ये मेरा एक नया गुड़हल का प्लांट है जिसको मैंने पूरा रिपोर्ट किया था और वीडियो भी आपके साथ शेयर किया था। अभी देखिए इसकी कंडीशन बिल्कुल एकदम ठीक हो गया है, 2-3 दिन ये थोड़ा सा मुरझाया सा रहा था, अभी बिल्कुल परफेक्ट है। इस पर कलियाँ भी आने लगी हैं और बिल्कुल बढ़िया तरह से ग्रोथ कर रहा है। जल्दी ही इसका फुल डिटेल वीडियो मैं चैनल पर डालूंगी। तो देखिए इधर मेरे यहाँ पर कोलियस रखे हुए हैं, कोलियस भी बारिश में देखिए कितने अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं और इनका कलर देखिए क्या बढ़िया, एकदम कलरफुल, एकदम सुंदर लग रहे हैं। ये इसीलिए बारिश में बिल्कुल ठीक ठाक हैं क्योंकि गमला इनका सिर्फ 6 इंच का है, तो ओवर वाटरिंग होती ही नहीं है, इनमें फटाफट से पानी निकल जाता है। तो कोलियस को हमेशा छोटे गमले में लगाइए। ये मेरा गुड़हल का प्लांट जो मैंने अभी आपको दिखाया था, इस पर बहुत अच्छी कलियाँ और बहुत ही बढ़िया फूल आ रहे हैं और इसको मैंने ग्रो बैग में लगा रखा है। यहाँ पर मेरा ये दूसरा गुड़हल का प्लांट है और देखिए ये बैंगन का प्लांट, इस बैंगन के 3-4 प्लांट हैं, सभी पर अच्छे आ रहे हैं बैंगन और ये हरे वाले बैंगन हैं। देखिए दोस्तों ये मेरा एक कोलियस का प्लांट है जिसको मैंने कटिंग से लगाया था, अभी इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है। बारिश से ये वाली ब्रांच इसकी बिल्कुल नीचे गिर गई है, तो इससे हम नए प्लांट बना लेते हैं, इसको कट कर लेते हैं, इसमें से कई प्लांट हमारे बन जाएंगे। तो देखिए यहाँ से मैंने इसको काट दिया है और काटने के बाद मैंने इसकी कटिंग्स अलग कर ली हैं, इसमें से 3 कटिंग्स मेरी बन गई हैं एक ब्रांच में से देखिए। और इसको बस हम नॉर्मली किसी भी गमले के साइड में लगा देंगे, बहुत ही जल्दी ये हमारे नए प्लांट तैयार हो जाएंगे। बीज को ऊपर से मैं काट दूंगी और देखिए 3 पौधे हमारे तैयार हो जाएंगे। आपको एक प्लांट और दिखाती हूँ जो मैंने पहले इस तरह से लगा रखा है। कोलियस बहुत जल्दी चलता है, बस पानी हमें जभी देना है जब मिट्टी सूख जाए। देखिए ये मैंने कुछ दिन पहले लगाया था तो पौधा बन के तैयार हो गया है। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच, बाय।